तो त्योहारी सीजन में सब्जियों की कीमत अचानक बढ़ गई और हाल ये है कि कोई भी हरी सब्जी 30 रुपए किलो से कम में नहीं मिल रही है। आपूर्ति की तुलना में कम उत्पादन होने के कारण बाजार में उछाल आया है और अब आलू ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा बचा हुआ है। रिपोर्ट देखें। त्योहारी सीजन में बढ़ी सब्जियों की कीमत, आपूर्ति की तुलना में कम हो रहा उत्पादन, हरी सब्जियां कम से कम 30 रुपए किलो, आलू ही बना लोगों का एकमात्र सहारा। राज्य में सब्जियों की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि सब्जियां की कीमत कम से कम 30 रुपए प्रति किलो है और 140 रुपए तक इनकी कीमत है। ऐसे में सभी लोग आलू को ही सुलभ सब्जी मान रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा डीजल बढ़ने से, तो फर्क तो पड़ेगा ही, रेट में फर्क पड़ेगा। व्यापारी कहाँ से कम में देगा, वो तो बोलेगा ट्रांसपोर्टिंग हमको बेची लग रहा है तो हम तो रेट बढ़ाएंगे। कम हो रहा है, महंगा के चलते आदमी ले नहीं रहा है, कम में ले रहा है आदमी तो महंगा। टमाटर 50 रुपये, 48 रुपये खरीद के 40 रुपये, 30 रुपये बेच के गए हैं नुकसान के चलते। कीमत में बढ़ोतरी के लिए जहाँ कुछ लोग पेट्रोल की बढ़ी कीमत को मान रहे, वहीं कुछ लोग कम उत्पादन को भी मान रहे हैं। गाय जानवर को लोग फेंकता खाने के लिए, इन लोगों को मजदूरी नहीं निकल पाता, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ चुका है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, इन लोगों का खपत भी बारिश के चलते थोड़ा सा उपज भी कम हुई है। बढ़ने से कस्टमर कम लेता है, हम लोग का कम बिक्री होता है, ज्यादा तो बिक्री ज्यादा, अगर कम सस्ता हो जाने के हम लोग दुगना बेचते हैं। जैसे अभी 40 किलो है बेच रहे हैं तो उसको 80 किलो बेचेंगे कम का थी बजट में। कुछ लोगों का मानना है कि लगातार बारिश ने सब्जी की फसल को खराब कर दिया, लिहाजा कीमत में अचानक बढ़ोतरी हो गई। कारण चाहे जो हो, आम आदमी परेशान है और कीमत कम होने तक उसे इंतजार करना होगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सहयोगी सुशील और हेमंत के साथ अंजनी और दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।